अरे कर शेर बबर और घेरे में न होता कीदड़ रस्ता ये कह जाते और मैं तो दोनों आंख काट लेता जो इतना छोटा कह जाते दोनों आंख काट लेता जो इतना छोटा कह जाते कर शेर बबर घेरे में न होता किधर सा कह जाते दोनों आंख काट लेता जो इतना छोटा कह जाते दोनों आंख काट लेता जो मैं दोनों आंख काट लेता जो इतना खोटा कह जाते प्रेमी सजनों उस बीएस दादा ने वो राजस्थान का शेर जब गरजता है और मैं अपने नौजवान भाइयों से भी कहना चाहता हूं भूल गया था सजनों जो अपने पूर्वजों को याद रखता है जो अपने पूर्वजों को याद रखता है उसी का नाम होता है और जो एक शायर ने भी कहा है कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए मैं मानता हूं आप रंगारंग रागनी सुनना चाहते हैं लेकिन अपने इतिहासों को भी सुना करो जिससे कुछ सीख मिलती है खून में आग लगती है अपना छत्रापन भी जगता है जो आज सोया हुआ है कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए अरे दो गज जमीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए तुम्हारे कफन के लिए आइए वो शेर किस प्रकार से पहली कली में क्या कहता है जमाता है हंसों की जाप करे समय फिर कौवा तो जमाता है आज कागज के घोड़े उड़ रे रे कागज के घोड़े उड़ रे धूलो राजकुमार दुकानदार जी उनकी तरफ से 100 पहले 50 रुपए फिर से और डूमर सिंह पहलवान जी पहले भी कई 100 रुपए दिए हैं फिर से 100 रुपए का इनाम देते हैं भाई मोनू ठाकुर जी उनकी तरफ से भी 551 रुपए का पुरस्कार दिया गया है भाई मोनू ठाकुर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पवन जून साहब जवान म्यूजिक कंपनी उनकी तरफ से 500 रुपए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई भट्ट जी और
हमारे भाई मोनू ठाकुर जी, मोनू ठाकुर उनकी तरफ से देशभक्ति गीत पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और धन्यवाद करता हूं उन श्रोताओं का जिन्होंने देशभक्ति गीतों पर कलाकारों का मान सम्मान करते हैं, बड़े ही बुद्धिजीवी लोग हुआ करते हैं सज्जनों, उनका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मान सम्मान किया है। सज्जनों आज समय बिगड़ जाते हैं उस बीएस दादा की, उस बीएस राजपूत की, तो कहने लगता है कि आज मेरी समय बिगड़ी हुई है। ये सब आज आप मेरे सामने खड़े हुए हो प्रेमी सज्जनों, सुनिएगा दूसरी कली में जोश भरी रागनी है, जोश में ही गा रहा हूं और आप भी ध्यान से सुनिएगा क्या बताया। पहले भी पुरस्कार दिया था और फिर से इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। और सज्जनों सुनिएगा तीसरी कड़ी में बोस बबर सेन, वो राजपुतानी का बेटा किस प्रकार से क्या कहने लगा जोश भर के। आइए
भगवान स्वरूपी श्रोताओं को अपने भाइयों को पूछना चाहता हूँ। आज मैं बीएस राजपूत की रागनी आपके बीच में गा रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद भी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सजनों। अगर आप कहोगे, अगर आपका आदेश होगा, देखो हम तो आपको खुश करने के लिए आए हैं, चाहे रंगारंग सुन लो, चाहे धार्मिक सुन लो, चाहे अपने पूर्वजों की सुन लो, चाहे कैसी भी सुन लो, तीन तीन लेडीज कलाकार भी लेकर के आए हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं दिल से, क्योंकि आपने पैसे खर्च करे हैं, तो मैं चाहता हूं जैसे आपने पैसे खर्च करे हैं ऐसी बात सुनाकर आपको हमारी टीम ये जाए। एक फिल्म आई थी पद्मावत, जिसको फिल्मी दुनिया वालों ने सज्जनों बड़ी पूरी ढूंढी तरीका से उस पद्मावत के किरदार को फिल्माया गया है। सच्चाई वो नहीं थी। अगर आप कहोगे उस राजपूतानी पद्मावत ने उस दिल्ली के शासक उस खिलजी को किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया था, अगर आप चाहोगे तो लगातार दो रागनी में उस पद्मावत की भी गाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक कली बीएस राजपूत की रागनी की इसको मैं पूरी कर रहा हूँ। किस प्रकार से वो क्या कहने लगा चकेरी। हाँ जी, 500 रुपए का पुरस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, जो अपने पूर्वजों की रागनियों का मान सम्मान करते हैं और कलाकारों को भी पुरस्कार देते हैं, बड़े बुद्धिजीवी हुआ करते हैं। वाह, हमारे आदरणीय लखन ठाकुर जिन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर खुश होकर के दिया गया है, चाहूंगा उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। भाई जोरदार ताली, धन्यवाद भाई ठाकुर जी। आइए भाली जनता पे बिना बात सता